हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अब मैं मेरी बुक रीड करने जा रही हूँ। काफ़ी दिनों से मैं लाइव नहीं आ पा रही थी और आज मैं लाइव हूँ। द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन, नई अर्थव्यवस्था में अपनी आमदनी का नियमित स्रोत कैसे बनाएं, ये बुक मैं रीड कर रही हूँ, जिसका आज लेसन 2 अध्याय 2, हम एक बकेट ढोने वाली दुनिया में रहते हैं, आज मैं इसे पढ़ने वाली हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये किताब ऐसी है जो हमें पाइपलाइन, मतलब कि जिस तरह से पाइप से पानी आता रहता है और बाल्टी से ढोने में हमें मेहनत करनी पड़ती है, और जिंदगी भर हम बाल्टी से ढोते रहेंगे पानी, तो भी हमारे मतलब कि घर में इनकम नहीं आएगी अगर हम बाल्टी से पानी लाना बंद कर दें। और अगर हम एक पाइपलाइन बना लेते हैं तो हमें पानी कम नहीं पड़ता, जिंदगी भर पानी आता रहता है, और हमें एक बार पाइपलाइन बना के जिंदगी भर पानी आता रहता है, ऐसा पाइपलाइन होता है। तो वही चीजें हम यहाँ सीख रहे हैं ये बुक के माध्यम से, कि हमें हमारी लाइफ में किस तरह से पाइपलाइन बनाना है, जिस तरह से द पैरेबल ऑफ पाइपलाइंस तैयार की गई थी, उसी तरह से हम किस तरह अपने आज की लाइफ में, आज के वर्क को करते करते हम एक पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो आज लेसन 2, हमें एक बड़ा काम मिल गया है। पेवेलो, मैं प्रतिदिन 100 बाल्टी पानी ला सकता हूँ, प्रति बाल्टी एक पेनी यानी $1 प्रतिदिन, मैं अमीर बन जाऊंगा। सप्ताह के अंत तक मैं एक जोड़ी नए जूते खरीद सकता हूँ, माह के अंत तक एक गाय, 6 महीने के अंत तक मैं एक झोपड़ी खरीद सकता हूँ। हमारे पास शहर की सबसे अच्छी नौकरी है, हमें सप्ताहांश में काम नहीं करना है, तथा प्रत्येक साल हमें 2 हफ्ते की छुट्टी वेतन के साथ मिलेगी, हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी। पाइपलाइन के चक्कर में पड़ने की जरूरत क्या है? अपनी 4 वर्षीय बेटी को अपनी कार से उसके डे केयर होम में छोड़ने के दौरान डॉक्टर पिता ने अपना स्टेथोस्कोप कार की सीट पर छोड़ दिया। लड़की स्टेथोस्कोप तक पहुंच गई और उसने खेलना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने सोचा, लड़की मेरे पद चिन्हों पर चलना चाहती है, यह मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल क्षण है। बेटी ने स्टेथोस्कोप को अपने गले में डाल लिया था, सेंसर को माइक्रोफोन के समान अपने सामने रख लिया। मैकडोनाल्ड में आपका स्वागत है, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकती हूँ? यह छोटी सी कहानी यह बतलाती है कि क्यों हम लोग बकेट कैरिंग जॉब के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसे कहते हैं बंदर बंदर की नकल करता है। वह छोटी लड़की मैकडोनाल्ड इतनी बार गई थी कि उसने स्टेथोस्कोप को हेडसेट समझने की गलती कर डाली तथा वहां के कर्मचारी की नकल करने लगी। उस छोटी लड़की की तरह ही अधिकांश लोग बकेट कैरिंग को पाइपलाइन बिल्डिंग समझने की भूल कर बैठते हैं। हमने देखा है कि 99% लोग बकेट कैरी करते हैं। अंत हम यह समझ बैठते हैं कि अपनी जिंदगी से कुछ पाने का एक ही तरीका है, बकेट कैरिंग, बकेट बहन बनाम पाइपलाइन निर्माण। 99% वेतन चेक पर निर्भर है, 1% बढ़ती हुई नियमित आय। यही कारण था कि पाइपलाइन निर्माण की ताकत को समझने में ब्रूनो को इतना वक्त लगा। ब्रूनो की जानकारी में पेवेलो पहला पाइपलाइन बिल्डर था। ब्रूनो ने पाइपलाइन को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वह उसे कुछ अलग लगा। उसके अनुसार यह सब कुछ अप्रमाणित था, साथ ही जोखिम भरा भी। अधिकांश लोग ब्रूनो की तरह ही सोचते हैं। जन्म से ही हम अपने आसपास सिर्फ बकेट कैरियर्स को ही देखते हैं, अतः हमें यही सब कुछ सच लगता है। यह मुझे एक स्टिकर की याद दिला देता है जिसे मैंने हाल ही में देखा था। 1 लाख लेमिंग्स गलत नहीं हो सकते हैं, ऐसा ही लोग बकेट कैरिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। 100 मिलियन बकेट कैरियर्स गलत नहीं हो सकते, हाँ वे हो सकते हैं। बकेट बहन की खरीदारी, आइए इसका सामना करें। इस दुनिया में पाइपलाइन बिल्डर्स की तुलना में बकेट कैरियर्स की संख्या ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बकेट कैरिंग एक मॉडल है जिसका अनुगमन हमारे माता पिता भी करते आए हैं, और ऐसा ही उन्होंने हमें सिखाया भी है। बकेट कैरिंग मॉडल आपको यह बतलाता है कि बकेट कैरिंग की इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आपको यह करना है। आप स्कूल जाएं और सीखें कि कैसे बकेट को कैरी किया जाना है। कड़ी मेहनत करें, बड़े से बड़े बकेट को कैरी करने का अधिकार प्राप्त करें। बकेट कंपनी ए से इस्तीफा देकर बकेट कंपनी बी की नौकरी शुरू करें, जहां आपको बड़ा बकेट कैरी करने का मौका मिलेगा। ज्यादा देर तक काम करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा बकेट कैरी कर सकें। बच्चों को बकेट कैरिंग कॉलेज में डालें, धातु के बकेट से प्लास्टिक और डिजिटल बकेट पर आ जाएं। एक ऐसे दिन के बारे में सोचें जब आप ऐसा करते हुए रिटायर्ड हो जाएंगे, तब तक यह सब कुछ करते रहें। आखिर ऐसा लोग अपने प्रयासों के बदलने
प्रयासों के बदले क्या पाते हैं? सच पूछिए तो कुछ नहीं। परेड पत्रिका के वार्षिक अंक व्हाट पीपल अर्न द्वारा किए गए सर्वेक्षण अमेरिका ने एक औसत श्रमिक प्रति वर्ष $28,000 कमाता है, उसमें से कर आदि के लिए 20% कम कर दे तो आपके पास अपने लिए $22,500 बचते हैं। अब आप ही सोचे कि क्या इतने पैसे में 4 आदमी का परिवार अपनी मूलभूत जरूरतें पूरी कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकांश लोग अधिक पैसा पाने की चिंता में लगे रहते हैं। बकेट कैरियर्स का औसत वेतन 28,500 बकेट्स ऑन पैरेट। अतः जब ऐसे लोगों को ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है तो वे क्या करते हैं? चूंकि इनकी मानसिकता ही बकेट कैरिंग की है, इसलिए इनके पास समाधान भी इसी संदर्भ में आता है। यदि आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है तो आप ज्यादा बकेट कैरी करेंगे। मैं शाम तक सप्ताहांत में बकेट कैरी करने का दूसरा काम खोज लूंगा, डैडी बकेट कैरियर कहते हैं। इस पर मम्मी बकेट कैरियर का जवाब होता है, बच्चों के होने के पहले भी मैं यही काम करती थी और मैं फिर से इसकी शुरुआत कर सकती हूँ। बकेट कैरिंग माता पिता की घोषणा होती है, बच्चे भी स्कूल के बाद और गर्मी की छुट्टियों में बकेट कैरिंग का काम करेंगे और ऐसा ही वे करते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? आज उत्तरी अमेरिका के लोग अपनी जापानी की तुलना में भी सबसे ज्यादा समय तक काम करते हैं। क्या वे ज्यादा बकेट कैरी करेंगे, ज्यादा पैसा कमा पा रहे हैं? इसका उत्तर होता है नहीं। इससे जुड़े कुछ तथ्य नीचे दिए जा रहे हैं। उपभोक्ता ऋण उच्चतम सीमा पर है। अमेरिका में घरेलू साजो सामान के लिए लिया गया ऋण पिछले 17 सालों में 4 गुना हो गया। आज औसतन घरों में खर्च करने योग्य आमदनी के प्रत्येक डॉलर के लिए 95% ऋण है। पिछले 20 सालों में अपने परिवार की सहायता के लिए महिलाओं के काम करने का अनुपात लगभग 2 गुना है, 2 गुना हो गया है, जो 1980 में 19% था, आज 46% है। आप बिलों के भुगतान के लिए लोग अपने सबसे बड़ी संपत्ति अपने घर को दूसरी या तीसरी बार बंधक रख रहे हैं। दिवालिया होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लगभग 1.4 मिलियन लोग इसमें प्रतिवर्ष जुड़ रहे हैं। यद्यपि अर्थव्यवस्था के हालात अच्छे हैं, आखिर इस तस्वीर के साथ गलत क्या है? बड़े बकेट को ढोने करने का भ्रम। बकेट कैरियर्स यह तर्क देते हैं कि बड़े बकेट का अर्थ होता है बड़ा वेतन चेक। अतः इनका यह मानना होता है कि यदि वे बड़ा बकेट उठाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बकेट कैरियर्स को इस बात को जानने की जिज्ञासा सदैव बनी रहती है कि दूसरे बकेट कैरियर कितना पैसा पा रहे हैं। US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स विभिन्न पेशों से जुड़े लोगों को मिलने वाले प्रति घंटे वेतन पर नजर रखता है। आपका प्रति घंटा वेतन दूसरों की तुलना में कितना है? प्रति घंटा वेतन US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स पैसा प्रति घंटा वेतन फास्ट फूड कुक $6.29, गैस स्टेशन परिचारक $7.34, जेंटर $8.44, खुदा विक्रेता $9.12, सचिव रफर। इस तरह से ये सारे डॉक्टर सर्जन $49.5। यह मानते हुए कि अधिकांश लोग एक सप्ताह में 40 घंटे के काम का ही वेतन पाते हैं, यद्यपि कि वे प्रति सप्ताह कम से कम 50 घंटे या ज्यादा भी काम करते हैं तथा प्रति वर्ष 2 हफ्ते की वेतन सहित छुट्टी पाते हैं। हम यहाँ नीचे उपयुक्त 5 व्यवसायों की वार्षिक आमदनी दे रहे हैं। वार्षिक आमदनी कुक $13,000, खुदे विक्रेता $18,970, मेल कैरियर $34,091, अधिवक्ता $75,899, डॉक्टर $102,024। अब यदि आप एक कुक हैं या खुरदुरा विक्रेता हैं या मेल कैरियर है और आप अधिवक्ता या डॉक्टर की वार्षिक आमदनी को देखते हैं तो आप सोचते हैं, काश यदि मेरी आमदनी इतनी हो जाए तो मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी और मैं बिलों के भुगतान की चिंता के बगैर रात में आराम से सो पाऊंगा। सच है कि कुक के बकेट की तुलना में डॉक्टर का बकेट कई गुना बड़ा है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि डॉक्टर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होता है, बल्कि वह भी कुक या मेल करियर की तरह अपने बकेट करियर जॉब पर निर्भर होता है। क्यों? यह बड़ा सरल है। एक औसत श्रमिक की तुलना में किसी प्रोफेशनल की आमदनी ज्यादा होती है, पर वे खर्च भी ज्यादा करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक डॉक्टर या अधिवक्ता की सालाना आमदनी 6 अंकों में होती है, पर उन्हें अपनी उदार जीवन शैली की वजह से आमदनी से ज्यादा खर्च करना पड़ता है। अब आप एक औसत श्रमिक के खर्चे की तुलना किसी प्रोफेशनल से करें। एक औसत श्रमिक
$5,000 वाली सेकंड हैंड का कार का इस्तेमाल करता है। डॉक्टर या अधिवक्ता $45,000 वाली लेक्सस कार का एक औसत श्रमिक अपने बच्चे को फ्री पब्लिक स्कूल में भेजता है, जबकि डॉक्टर या अधिवक्ता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। एक औसत श्रमिक $45,000 वाले मकान का मालिक होता है, तो डॉक्टर या अधिवक्ता $3,50,000 वाले मकान का। एक औसत श्रमिक पिज्जा हट में सप्ताह में एक बार जाता है, तो डॉक्टर या अधिवक्ता सप्ताह में दो बार रिटजी रेस्तरा में खाना खाने जाते हैं। एक औसत श्रमिक हर एक छुट्टियों में अपने परिवार को बाहर नहीं ले जा सकता, जबकि डॉक्टर या अधिवक्ता ऐसे प्रत्येक वर्ष करते हैं। अब आप इस तथ्य को समझ सकते हैं, लोग डॉक्टर या अधिवक्ता से इसलिए ईर्ष्या करते हैं कि उन्हें ज्यादा पैसा मिलता है। यह सच है कि डॉक्टर का बकेट कुक की तुलना में 10 गुना होता है, पर डॉक्टर इनकी तुलना में 10 गुना ज्यादा खर्च करता है, यानी दोनों की स्थिति समान हो गई, दोनों वेतन चेक पर ही निर्भर है। डॉक्टर की आमदनी भी बकेट पे होती है और डॉक्टर का खर्च उससे ज्यादा होता है। बकेट अंततः सूख जाते हैं। थॉमस जे स्टेनली तथा विलियम डॉक्टर डेनको, जो प्रतिष्ठित पुस्तक द मिलेनियर नेक्स्ट डोर के लेखक है, का मानना है कि बड़े बकेट का यह अर्थ नहीं कि आप बहुत पैसे वाले हैं। लेखक ने एक सर्वेक्षण के दौरान ऐसा पाया कि आमतौर पर ऐसा मान लिया जाता है कि जो लोग बड़ी कारों में चलते या महंगे मकानों में रहते उनके पास ज्यादा पैसा होता है, पर यह धारणा गलत है। स्टेनली तथा डेनको ने अपनी राय यूं व्यक्त की है, अधिकांश लोग अमेरिका में धन के बारे में गलत ख्याल रखते हैं। धन को आमदनी नहीं माना जा सकता है। यदि आपकी आमदनी अच्छी है और आप सब खर्च कर देते हैं तो आप अमीर नहीं बन सकते। हाँ, बेहतर जीवन आप जरूर जी रहे हैं। धन वह होता है जिसका आप संचय करते हैं, ना कि खर्च। आप धनी कैसे हो सकते हैं? यह भी कई लोग गलत ख्याल रखते हैं। यह भाग्य, पैतृक या बुद्धि वगैरह से कम ही होता है, बल्कि धन सही मामले में कड़ी मेहनत वाली जीवन शैली, अर्थ व्यवसाय योजना तथा स्व अनुशासन का परिणाम होता है। दूसरे शब्दों में बकेट भले ही कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, अंततः वह सूख ही जाती है। दूसरी तरफ पाइपलाइन आत्मनिर्भर होता है, पर पाइपलाइन को त्याग की जरूरत पड़ती है। पाइपलाइन स्वयं नहीं तैयार हो पाते, इसके तैयार करने के लिए समय और प्रयास की जरूरत पड़ती है। अंततः सभी बकेट सूख जाती हैं, नियमित पाइपलाइन चलता रहता है। बड़ी बकेट से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सभी लोग अपनी बकेट का आकार बढ़ाना चाहते हैं। कोई भी बढ़े हुए वेतन या अच्छी नौकरी का प्रस्ताव छोड़ना नहीं चाहता। यदि आपकी आय का स्रोत बकेट ढोना ही है तो सबसे बड़ी बकेट ढोए, शायद बुद्धिमानी इसी में है। पर यह बात तब भी लागू रहेगी कि बकेट बहन करके आप कभी खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं बना सकते। इससे आपका परिवार कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता, भले ही आपकी बकेट कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, क्योंकि जब तक आप बकेट कैरी करेंगे तब तक आपको परिश्रमिक के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। जिस दिन आप बकेट बहन करना बंद कर देंगे, आपकी आमदनी बंद हो जाएगी। बीमारी या जख्म, बंदी, रिटायरमेंट, कई बकेट करियर लोग दिवालिया तक हो चुके हैं, क्योंकि जब वे बकेट कैरी कर रहे थे तो उन्होंने पाइपलाइन तैयार नहीं किया, और जैसे ही बकेट सूख गई तो उनकी जीवन शैली भी बदल गई। मेरे पिता कहा करते थे, पाइपलाइन ही आपकी लाइफलाइन है। क्या आप इस क्यों को देखने की शुरुआत कर रहे हैं? तो कल हम भाग 2 करेंगे, आपकी पाइपलाइन ही आपकी लाइफलाइन है। लेकिन आज जो मैंने ये लेसन पढ़ा, इससे आपको मैं थोड़ा सा जो मुझे समझ में आया वो बताती हूँ। आप इसे सुने, आपको क्या समझ में आया वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि और लोगों को भी ये चीजें आसानी से समझ में आ सके। तो मेरा जो मानना है कि बकेट का मतलब होता है कि हम जो छोटे मोटे नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जिसपे हम खुद इन्वॉल्व रहते हैं, हमारा समय लगता है और हमें पैसे आते हैं, तो वो काम होता है बकेट का काम, जो कि जब तक हम करेंगे वही काम हम जिंदगी भर करते रहेंगे। कोई कम कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है, जैसे कि कोई नौकरी करने वाला छोटा बकेट हो गया और कोई डॉक्टर इंजीनियर हो बड़ा बकेट करने का काम हो गया। लेकिन दोनों ही जब काम करना बंद कर देते हैं उनके घर आमदनी का स्रोत खत्म हो जाता है। लेकिन पाइपलाइन वह होता है कि जब हम छोटा काम या कोई व्यवसाय या प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम डॉक्टर इंजीनियर या कोई नौकरी कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर हम एक पाइपलाइन तैयार करना शुरू कर देते हैं, कोई ऐसा बिजनेस या कोई ऐसा व्यवसाय जो कि निरंतर लगातार कुछ दिनों तक करने के बाद हम अगर उस काम को करना छोड़ भी दे, तो हमारी पाइपलाइन, मतलब कि जिस तरह पाइपलाइन से पानी आना बंद नहीं होता, उसी तरह से उस काम को अगर हम छोड़ भी दे तो हमारे घर पैसे आना, आमदनी आना बंद नहीं होती, तो उसे बोलते हैं पाइपलाइन। तो ये काम अगर हम
छोटे बकेट से ही, मतलब जो काम हम कर रहे हैं उससे ही शुरू कर दे, तो जब तक हमारी बाल्टी सूखती है तब तक एक हमारी पाइपलाइन बन जाती है। लेकिन अगर हमारी बाल्टी सूख गई फिर हम पाइपलाइन बनाने में भिड़ जाते हैं तो हम पाइपलाइन नहीं बना सकते और हमारा जीवन दुर्भर हो जाता है और हम कभी भी उस काम को नहीं कर सकते। तो सोचने की जरूरत यह है कि पाइपलाइन हमें तैयार करने की तब जरूरत है जब हम कोई वर्क कर रहे हैं, उसी वक्त हमें एक साइड में पाइपलाइन तैयार कर लेना चाहिए, करते रहना चाहिए, शुरुआत कर देनी चाहिए। तो इसी तरह से ऐसे कई काम हैं जो कि आप पाइपलाइन बना सकते हैं, बस उन्हें सीखने की, समझने की और जानने की जरूरत है। आपके आसपास बहुत से ऐसे वर्क चल रहे हैं जहां की आपकी पाइपलाइन बन सकती है। तो इस बुक को पढ़ते पढ़ते आप ये चीजें समझने लगेंगे। तो ठीक है, कल हम इसके आगे का भाग लेसन टू करेंगे। जो मुझे आज समझ में आया ये बहुत महत्वपूर्ण है और मैंने अपनी पाइपलाइन बनाना शुरू कर दिया है। आपको भी अगर समझ में आ गया है तो आप शुरू कर सकते हैं, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके, क्योंकि जो बुक में लिखी हुई चीजें हैं ये लोगों की हुई चीजें हैं, जो लोगों ने खुद का एक्सपीरियंस किया है, खुद अपनी पाइपलाइन बनाई है, उन्हीं लोगों ने इस बुक को लिखा है। अगर हम इसका अनुसरण करते हैं और इस तरह से अपना वर्क शुरू करते हैं तो हमारी लाइफ में कभी भी मतलब कि पैसों के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, हमारी पाइपलाइन हमेशा तैयार रहेगी, पानी आना कभी बंद नहीं होगा, बाल्टी कभी सूखेगी नहीं, मतलब हमारी पाइपलाइन कभी भी नहीं सूखेगी, बाल्टी कभी भी सूख सकती है। तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। थैंक यू, मिलते हैं कल फिर 8:30 बजे। तब तक के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।